नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के ही क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड हैं आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड शेड्यूल्स से। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एक्ट्स एंड रेगुलेशन, डिवीजन ऑफ पावर्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड प्रोविजन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। तो इसका आंसर होगा डिवीजन ऑफ पावर्स, इससे रिलेटेड है। सेवेंथ शेड्यूल जो है भारतीय संविधान में, ठीक है, इसमें थ्री लिस्ट्स होती हैं। जो आपका सेवेंथ शेड्यूल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट डिफाइंस एंड स्पेसिफाइज द एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में ये पावर को बारे में बताता है। इसमें थ्री लिस्ट्स होती हैं, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। राइट, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है एंड यूनियन लिस्ट होती है। तो सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? 91 सब्जेक्ट हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, राइट, और यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसके बारे में डील करता है? सेवेंथ शेड्यूल डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ द लिस्ट। इट डिफाइंस एंड स्पेसिफाइज द पावर एलोकेशन, मतलब पावर को कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, उसके फंक्शंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स को ये डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा? 20, पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एमरजेंसी प्रोविजंस, मिसलेनियस और ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हम सुधार करें उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फुल फॉर्म ऑफ FERA, अ टर्म रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंजेस। इसका जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। ये क्या डील करता है? इट इज एन एक्ट दैट इम्पोजेस स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स, सिक्योरिटीज इन ट्रांजेक्शंस हैविंग एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, ऑन कंजर्वेशन एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सो एज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। मतलब ये कुछ चीज़ों के बारे में स्ट्रिक्टली ये कुछ रूल्स रेगुलेशन डिफाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्ड हाउ मेनी शेड्यूल्स? 8 शेड्यूल्स। जब इसको अडॉप्ट किया था तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भारत का संविधान है इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही अडॉप्ट किया था इन इंडिया ऑन कब? 26 नवंबर 1949 को, एंड बिकेम इफेक्टिव कब हुआ था ये? 26 जनवरी 1950 को। तो देयर वर 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यही मुझे बताना था। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा? पार्ट 3, पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। देखिए पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 12 to 35 है, राइट, इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 to 35 के अंतर्गत आता है। मैग्ना कार्टा जो है इट इज द चार्टर ऑफ राइट्स इश्यूड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, एंड फ्रेम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। इनफैक्ट जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दे आर मोर इलेबोरेट देन दोज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इट हैज प्रोविजन फॉर चेकिंग डिफेक्शन अमंग द लेजिस्लेटर्स। ट्रू है, इसके अंदर ये प्रोविजन है कि जो डिफेक्ट हो लेजिस्लेटर्स के भीतर उसको चेक कर सके। इट हैज स्पेशल प्रोविजन फॉर द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? नो। इट लिस्ट सर्टेन मैटर टू बी एक्सक्लूसिवली डील्ड बाय यूनियन ओनली? नो। इट हैज प्रोविजन फॉर ओथ एंड अलायंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जस्टिसेस। तीनों ऑप्शंस गलत है, ठीक है। तो इसमें जो इसने बोला है कि जो 10th शेड्यूल है इट डील्स विद द डिसक्वालिफिकेशन, ये किससे डील करता है? डिसक्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, एंड स्टेट लेजिस्लेटर्स ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो शेड्यूल वॉज एडेड बाय 52, शेड्यूल कब एड हुआ था? 52 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985।
ये तभी लागू हुआ था। एंड इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। जो स्पीकर होता है, चेयरमैन होता है और जो डिप्टी चेयरमैन होता है वेरियस लेजिस्लेटिव हाउसेस का, इनको इस डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्ट ईयर इज करेक्ट? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, विडो रिमैरिज एक्ट 1858। तो केवल फर्स्ट वाला ही आपका ऑप्शन सही है, ठीक है? यही ऑप्शन आपका सही है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में था। इसको शारदा एक्ट भी बोलते हैं। इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय हरविलास शारदा टू एलिमिनेट। इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम इस बुराई को खत्म करें। टू एलिमिनेट द स्पेशल इविल व्हिच हैड द पोटेंशियलिटीज ऑफ डेंजरस टू द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, ओके, हु वुड नॉट विदस्टैंड द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ मैरिड लाइफ एंड टू अवॉइड अर्ली डेथ्स ऑफ सच माइनर मदर्स, ओके। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन 11th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 29, देयर आर अराउंड 29 सब्जेक्ट्स इन 11th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल आप कह सकते हो, कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 243 जी, ठीक है। 11th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कंसिस्ट्स ऑफ आर्टिकल 243 जी। एंड आर्टिकल 243 जी जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें पावर्स हैं, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पंचायत के, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द ओरिजिन एंड इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास्ड? 1891 में पास हुआ था ये। कब पास हुआ था? 1891 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट सिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू स्टेट्स? ये स्टेट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स? फोर्थ। जो फोर्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसके साथ डील करता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सीट्स को कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, किसको एलोकेट करना है, किसको देना है, ठीक है? ठीक है, तो ये पता होना चाहिए जो फोर्थ शेड्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड द आरटीआई एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन, यही होता है ना, कम इनटू इफेक्ट? इट केम इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक टूल है विच एवरी पर्सन इंडिया कैन यूज टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन दैट मेक देयर लाइव्स बेटर, ओके। नेक्स्ट है, सिटीजनशिप इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट टू में सिटीजनशिप को मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद टेम्पररी स्पिरिचुअल एंड स्पेशल प्रोविजंस? ये है 10, 10, कितना हो गया, 10, 10, 1, ये हो गया कम से कम 21, ठीक है, यही होगा ना। द जो ये पार्ट है, इट डील्स विद द इंडियन इट डील्स विद टेम्पररी स्पिरिचुअल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How many languages were initially included in the 8th schedule of Indian Constitution? 14 languages include हुई है 8th schedule of Indian Constitution में, ठीक है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन मुझे समझ में आपको समझ में आए हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं कुछ भी पढ़ा सकती हूँ इसमें, मैं आपको पेपर वन भी पढ़ा सकती हूँ, पेपर टू भी पढ़ा सकती हूँ, गेट से रिलेटेड भी पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।